अगर प्राण साहब होते हाँ तो बॉलीवुड के कलाकारों को कहते जो ड्रग्स लेते हैं, बिक्की बेटा हम तुम्हें बता दें, हमारी जेल से संगीन कैदी जो भी बाहर गया है तुम्हारे उस दरबार में, दुआ मांगी है तो यही मांगी है, दोबारा जेल जाओ तो रघुवीर सिंह की जेल ना जाओ। वाह बेटा साईं, तुमने तो बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहरू कलौंडा ड्रग्स लेकर पकड़ा जाएगा। वाह बरपुरदार, मैं अपने जवाने में पान बेचा करता था और आज के लौंडे। और बिक्की बेटा हम लोग भेड़ी पिया करते थे। वाह, अगर राजकुमार साहब होते तो बोलते जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और जगह सिर्फ तुम्हारी होगी, हम तुम्हें मारेंगे। और रही बात तुम्हें छोड़ने की, तो हम तुम्हें बता दें, हवाओं के टकराने से पहाड़ों पे सुराग नहीं हुआ करते, और हम तुम्हें भागने के लिए इतना बड़ा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन बरखुरदार मैदान नहीं खत्म होगा। हाँ, और शहरुख का लौंडा वहां पकड़ा जहां चरस कप था। वो तो ड्रग्स में पकड़ा गया, लेकिन मैं अजय देवगन, मैं तो दिल जले वाली एक्टिंग करके लोगों के ऊपर शराब की बोतलें फूंक दिया करता था। ओए 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 ओए, शायद अमरीश पुरी सर आ गए। अरे भाई, आतंकवादी की कोई भी प्रेम कहानी नहीं होती, और दुनिया की नजरों में तो आतंकवादी है, एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। सुना? अरे लड़का होता है, कभी किसी ने कहा क्या आतंकवादी होता है? शाहरुख का लौंडा चरस पिए, ये उन्हें शक था, और मैं उसको बेने रो ऐसा मैं उन्हें नहीं दूंगा। क्या रे क्या रे, बात करता है, भोगने को आता नहीं और काटने को चला है। अब उनका नाम शंकर दादा है। चौरसिया, विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, एकदम रेशम की तरह, कब ना जाने साला टूट जाए। विक्रम की अदालत में सबको इंसाफ मिलके रहता है। ओए क्या रे, तुझसे बात करता है, शंकर दादा नाम है मेरा, शंकर दादा।